सो हाय एवरीवन दोस्तों, मैं सर आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बताने वाले आपकी CSC से मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें कितना कमीशन मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटा दबा लेना है आगे की और भी इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CSC से रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको यहाँ पे लॉगिन हो लेना, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो डिजिटल सेवा सर्च कर लेना, उसके बाद यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर या डिजिटल सेवा के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा पहले से लॉग इन है तो मैं इसको लॉग आउट पहले कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक से लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे जो है ना ही आपको यूज़र आईडी ना ही आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक बार आप जब इससे लॉगिन कर लेते हैं आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं CSC पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर के साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेलीकॉम यहाँ पे है, नहीं है तो आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेलीकॉम मिल जाता है, यहाँ पे टेलीकॉम के ऊपर क्लिक करेंगे। टेलीकॉम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड रिचार्ज और लैंडलाइन पोस्टपेड रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको मोबाइल प्रीपेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड में आपका जिस भी सिम है, जो भी सिम है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, जैसे कि एयरटेल है, BSNL है, BSNL प्रीपेड, रिलायंस जियो और भी है, ठीक है। तो आपको जिसमें भी रिचार्ज करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे कि मुझे एयरटेल में रिचार्ज करना है तो यहाँ पे मैं एयरटेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप जिसमें भी रिचार्ज करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, ओके। डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक से यहाँ पे प्लान नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3G 4G और यहाँ पे कॉम्बो, रोमिंग और टॉपअप, ठीक है। तो आपको जिसमें भी रिचार्ज करना है, आपको यहाँ पे फ्री करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 155 रुपये में इंजॉय ट्रूली अनलिमिटेड कॉल STD रोमिंग कॉल एनी नेटवर्क 1 GB डाटा 300 SMS नेशनल 24 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा प्लान आपको चाहिए रिचार्ज का तो आप यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे कि मुझे 265 रुपये का करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप अपना वॉलेट का पिन डालेंगे, आपका जो भी वॉलेट का पिन होगा CSC का, आप यहाँ पे वॉलेट का पिन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पे 200, उसके बाद यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। अब जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे योर रिचार्ज हैज़ बीन सक्सेसफुल डिटेल्स द ट्रांजेक्शन गिवन ब्लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे CSC ट्रांजेक्शन रेफरेंस भी आ चुका है और ट्रांजेक्शन ID भी आ चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसमें कैशबैक कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे तो इसको यहाँ पे नोटपैड में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप इसी ट्रांजेक्शन नंबर से आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नोटपैड में रख सकते हैं, ना तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पासबुक में आना, उसके बाद वॉलेट लीडर के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको 265 रुपये का यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे पेमेंट जो कटा है यहाँ पे देख सकते हैं 261 रुपीज़ 93 पैसा, यानी आपके वॉलेट से यहाँ पे आपको 261 रुपया 93 पैसा यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे अपना वॉलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जो हुआ रिचार्ज का यहाँ पे 265 का हुआ यहाँ पे, और 261 रुपया कटा, यानी 3 रुपया 7 पैसा आपका यहाँ पे कमीशन हो गया। तो आप यहाँ पे रिचार्ज करते हैं मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कमीशन भी आपको मिलता है और आपके करंट वॉलेट में आपको 110 रुपया यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो भी आपके वॉलेट में पैसा होगा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आपको यहाँ पे रिचार्ज करने से पहले आपने जितना भी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं CSC वॉलेट से, आपको यहाँ पे 100 रुपये उससे ज़्यादा रखना है, तभी यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर नहीं करते तो ऐसा, अगर आप जितना भी पेमेंट कर आपका उतना ही पैसा रहता, 10 रुपये ज़्यादा रहता तो आपका पेमेंट यहाँ पे जो इन्फ्लूड बैलेंस यहाँ पे बताएगा। तो आपको यहाँ पे जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उससे आपको यहाँ पे 100 रुपये
अधिक रखना है वॉलेट में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल से अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं और यहाँ पे जो है कमीशन भी कमा सकते हैं। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी और टॉपिक से अलग से CSC के रिलेटेड वीडियो बनवाना नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपने ही छोटे भाई का चैनल दोस्तों, ठीक, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।